तो मेरे भाई अगर तुम्हें छोटा छोटा पासिंग खेलना पसंद है, अगर तुम्हें ट्रायंगल में पासिंग खेलना पसंद है, अगर तुम्हें विंग प्ले खेलना बहुत पसंद है और अगर तुम्हें हर मैच में अटैक करके ओपोनेंट को डोमिनेट करना पसंद है तो क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारे लिए तो है ये 4-1-2-3 फॉर्मेशन। हाँ मेरे भाई, तो आज मैं इस वीडियो में तुमको इस फॉर्मेशन में तुमको कौन सा प्लेयर यूज करना है, कौन सा प्लेयर का कौन सा रोल है, ये तुमको सारा बात बताऊंगा जिससे तुम्हारा गेम प्ले के ऊपर एटलीस्ट 10-20% तो इफेक्ट जरूर पड़ेगा, ठीक है। बाकी 80% तुम्हारे स्किल के, तुम्हारे प्लेइंग के ऊपर है, ठीक है। अगर तुम्हारा टीम अच्छा हुआ तो तुम्हारा गेम प्ले भी अच्छा होगा, ये तो बात की बात, ये सच्ची बात है, ठीक है। तो देखो, बिना किसी बकवास के पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इस फॉर्मेशन में तुम पोजीशन गेम, क्विक काउंटर, लॉन्ग बॉल काउंटर सब खेल सकते हो, ठीक है। आउट वाइड और लॉन्ग बॉल में थोड़ा दिक्कत आता है इस फॉर्मेशन में, लेकिन अगर तुम्हारा हाथ सेट है तो तुम यूज कर सकते हो। तो अब चलते हैं इस फॉर्मेशन में तुमको कौन सा प्लेयर खिलाना है और उसका रोल क्या क्या देना है, ठीक है। जीके में तुमको ऐसे जीके यूज करना है जो खाते पीते खानदान का है, बस गोल कम खाए, ठीक है। किसी भी जीके को यूज कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। सीबी में एक डिस्ट्रॉयर, एक बिल्डअप, ये प्यार है भाई, ये सीबी कॉम्बो नहीं है, ये प्यार है, ये फुटबॉलर पेस का प्यार है, तुमको इसी प्यार के साथ खेलना है, ठीक है। एक डिस्ट्रॉयर जो सामने जाके ओपोनेंट को प्रेस करेगा, ओपोनेंट को फोर्स करेगा कि तुम यार पास दो किसी प्लेयर को और गलती करो, और एक बिल्डअप अगर तुम्हारा डिफेंस खुल जाए तो पीछे आते आते ओपोनेंट को मार्क भी करेगा, डिफेंस भी करेगा और इंपॉर्टेंट सिचुएशन में इंटरसेप्शन भी करेगा, ठीक है। देखो, तुम चाहो तो इस फॉर्मेशन में दो डिफेंसिव फुलबैक यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारा मन थोड़ा अटैकिंग के ऊपर है तो तुम एक साइड में डिफेंसिव फुलबैक, एक साइड में ऑफेंसिव फुलबैक यूज कर सकते हो। ऑफेंसिव फुलबैक वही मैं जो बोलता हूँ, एक ऐसा ऑफेंसिव फुलबैक यूज करना जो ऊपर भी रन दे, ठीक है, जो तुम्हारे अटैक में हेल्प भी करे और डिफेंस में भी जो स्ट्रांग हो, लाइक डैनिलो की इमेज। और डिफेंसिव फुलबैक में ऐसा फुलबैक यूज करना जिसका स्पीड हो लाइक 90 स्पीड हो, मिनिमम 90 स्पीड हो और डिफेंसिव स्टैट्स भी बहुत खास हो, ठीक है, लाइक कोस्टा कुर्ता, सांगवान बिसाखा, ठीक है, और भी डिफेंसिव फुलबैक है। डीएमएफ में तुमको यूज करना है एक फास्ट प्लेयर, ठीक है। देखो, तुम यहाँ पे सिंगल डीएमएफ खेल रहे हो तो तुमको एक फास्ट प्लेयर चाहिए जो पूरा ग्राउंड को जल्दी जल्दी कवर कर सके, ठीक है। तो डीएमएफ में एक फास्ट प्लेयर जरूर खिलाना, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कैसे मीरो आराम से चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे विंगर के ऊपर। दोनों साइड विंगर के पास डबल टच स्किल होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी है। और सेकेंड प्रायोरिटी है, एक विंगर में तुमको खिलाना है क्रिएटिव प्ले मेकर, ठीक है। तो एक विंगर में क्रिएटिव प्ले मेकर जो अंदर आएगा, जो क्रिएट करेगा स्पेस। यहाँ पे मैं मेसी यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये मेसी भी वैसे ही खेलता है, ठीक है। और एक विंगर में तुमको जाना है जो ऊपर अच्छा खासा रन बनाएगा, जो ऊपर जाके इजीली डबल टच करके शूट ऊपर, जिसका स्पीड भी 90 से ऊपर होगा, ऐसा विंगर तुमको यूज करना है एक साइड में, ठीक है। अब जिस साइड में तुम्हारा क्रिएटिव प्ले मेकर है विंगर, ठीक है, तो उस साइड में तुमको खिलाना है होल्ड प्लेयर। जब भी तुम्हारा क्रिएटिव प्ले मेकर विंगर अंदर आएगा, होल प्लेयर ऊपर रन करेगा, तुमको इजीली एक चांस मिल जाएगा होल प्लेयर को रन करवाने के लिए, ठीक है। और जिस विंगर में तुम्हारा बहुत ज्यादा स्पीड है जो अंदर घुस सकता है, उस साइड में तुमको खिलाना है एक ऐसा क्रिएटिव प्ले मेकर, नहीं तो कुछ भी प्ले स्टाइल तुम यूज करो, लेकिन तुम्हारे प्लेयर के पास अच्छा ड्रिबलिंग स्किल, वो प्लेयर अच्छा टर्न करना चाहिए जल्दी जल्दी, और ठीक ठाक बॉल होल्ड अगर तुम कर सको तो भाई कुछ मत ही बोलो, उस प्लेयर से तुम लिटरली ओपोनेंट को गेम खोल सकते हो, ठीक है। तो यही बात है, तुमको ऐसे दो कॉम्बो यूज करना है। सीएफ में ऐसा सीएफ यूज करना जो लिंक अप में भी तुम्हारा साथ दे, जिसके पास वन टच थ्रू पासिंग अगर नहीं है तो दे सकते हो, और जिसके पास स्पीड भी 90 से ऊपर हो और फिनिशिंग भी टॉप नॉच हो। मैं रूमिनिगे, एम्बापे, रैशफोर्ड तुमको सजेस्ट करूंगा। और अगर तुम्हारे पास POTW अच्छे खासे CF है तो तुम यूज कर सकते हो, लेकिन स्पीडी CF हो तो तुमको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो यही टीम है जो तुम यूज करना, ठीक है। देखो, काउंटर के टाइम तुमको ऑलवेज अपने क्रिएटिव प्ले मेकर मेसी के ऊपर देना है, फिर देखना है कि CF रन कर रहा है कि नहीं तो तुमको स्पेस करके गेम को बनाना है। अगर तुम पोजिशन मतलब बिल्डअप कर रहे हो तब तुम्हें ये वाला जो AMF है, इससे तुमको पास एंड मूव करना है, इससे तुमको गेम को खोलना है, इससे ओपोनेंट प्लेयर को खोलना है, ओपोनेंट डिफेंस को खोलना है, ठीक है। तो ये चीज तुमको हमेशा ध्यान रखना है। होल प्लेयर का काम है जो ऊपर जाके रन बनाएगा और इजीली जाके प्रेस कर गोल देगा, और दोनों AMF के पास अगर डबल टच हुआ, आय हाय हाय हाय, वो जब भी तुम्हें चांस मिलेगा तुम इजीली डबल टच एंड शूट कर सकते हो, ठीक है। तो यही है सिंपल टीम, मैं इसी टीम से खेलता हूँ, तुम भी यूज करना, तुमको भी रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतने देर तक इस फॉर्मेशन के ऊपर, क्या मैं एक डेडिकेटेड सिचुएशन, अटैकिंग सिचुएशन वीडियो बनाऊं, ये तुम्हारे कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाहूं तो बना सकता हूं, तुम कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलता हूं।